जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राम तो उतरे हम और हम देखते हैं बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है और बीच में बारिश भी हो रही थी, तो देख सकते हैं बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है और थोड़ी थोड़ी वहीं बारिश अच्छी खासी हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। देख सकते हैं ये हमारे यहाँ ग्राम रोड का है, देख सकते हैं बारिश हो रही है और मेरे इस ट्रेन से हम उतरे, ये ट्रेन जा रही है अभी आगे। अब हम लेके चलते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट का क्या नाम है बारिश का, देख सकते हैं आप फिलहाल बारिश तेज़ है यहाँ पर और ये ट्रेन काफ़ी तेज हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसकी आवाज़ और रफ्तार देख सकते हैं, तो चर्च गेट को जा रही है और देखिए बारिश, तो बारिश कह नहीं सकते, बारिश काफ़ी तेज होती जा रही है। अभी हम चले अंदर स्टूडियो से, बारिश चारों तरफ पानी ही पानी, जितना खास हो गया रफ्तार पानी होगा। देखिए ये स्टेशन है और देखिए पूरी पानी लगी हुई है हर तरफ और देखिए और तेज़ बारिश हो गई है, तो ये भाई ये तो होती जाएगी, बारिश होएगी रुकेगी होएगी रुकेगी होएगी। तो भाई ये मुंबई है, इसकी कहानी ऐसी है, बारिश होना और रुकना लाजिम है। और ये देखिए पाउच भेज रहे बैग वगैरह के लिए और मोबाइल रखने के लिए, तो मोबाइल गिलाना है। और ये देखिए सामने रिलायंस दिख रहे हैं, रिलायंस का हॉस्पिटल देख सकते आप। ये देखिए बोला था बांस का, ये है यहाँ पर काम चलते हैं और ये देख सकते यहाँ जो है सारे देखिए घंटी वगैरह देखिए कितना मस्त बनाया हुआ है बैम्बू से, बैम्बू का ये देखिए बैम्बू से बनाया उन्होंने और देख सकते कितना खूबसूरत है, देखिए सारे बैम्बू हैं यहाँ से और बैम्बू से सारी ये लोग बनाते हैं सब चीज़ें।
जो बांस का आइटम है, भोजपुरी में बोलते हैं बांस का आइटम, बांस का आइटम बोलिए, क्योंकि भाई हमारे बिहार के हैं तो बांस के आइटम बताएंगे, तो बड़ी बात नहीं, ये अच्छी बात है, तो बिहार के भी नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि मिली जुली सरकार है हमारी, तो मैं ये सब सब लैंग्वेज होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। और ये देखिए कैंटीन, ये कैंटीन है यहाँ पर, तो देखिए सामने ये कमाडीपुरा जा रहा है, ये रास्ता जो कमाडीपुरा को सीधा रास्ता जो कमाडीपुरा का जाएगा, जिसको बोलते हैं रेड लाइट एरिया लोग बोलते हैं, आपने आपने सुना होगा नाम कमाडीपुरा का, सुना है कि नहीं सर? कोकिला बहन आपको एक आया था, सॉरी माफ करेंगे, कोकिल कुछ सब ऐसे करके आया था, फिल्म आई थी, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें दिखाया हुआ है, उसके अंदर ये बताया गया है इस बारे में, इसी के बारे में बताया गया था, कमाडीपुरा के बारे में, फिल्म के बारे में याद नहीं आ रही, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। ये कमाडीपुरा में हम हैं अभी, आप देख सकते हैं ये, और यहाँ बारिश ऐसी होती रहती है, ये बारिश में यहाँ बारिश जो है ये होना ही होना है, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है हम तो रुक गए हैं ना, तो यहाँ बारिश का माहौल ऐसा होता है कि बारिश तो अभी कुछ ही नहीं है आपके आगे, ये तो बहुत नाम की बारिश है, इस बारिश को ऐसा या बॉम्बे में इस बारिश को तो आप ये कुछ भी नहीं, इसके आगे ये बारिश जो बारिश होती है ये हल्की बारिश है बॉम्बे के लिए, बदन से कपड़ा उतर जाए उसको बारिश कहते हैं, नहीं जो बदन से कपड़े फट जाए वो फट जाते, जो दिख रहे हैं आप सामने जा रहे हैं ऐसी बारिश होती है कि रेनकोट फट जाते हैं, भाई यहाँ भी बारिश का ऐसा माहौल है, अभी आप देखने देखा कहाँ रहा, अभी तो जो भी बारिश है सब रात में हुई, मोटे मोटे बारिशें रात में हुई है तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बारिश तो हुई है, केशवराव कदम मार्ग, केशवराव कदम मार्ग में आप आ चुके हैं, और चलिए तो ये है आपका रास्ता, और आप अभी बारिश को भी देख सकते हैं कैसी बारिश हो रही है, इसको भी आप इंजॉय करें बारिश को भी, देख सकते हैं आप चलना यहाँ रुका जैसे, नहीं नहीं बारिश वो कोई बात रुक के फायदा नहीं है, और मिला तो ऐसे भी होना है कि बारिश रुके भी रात तक मिल गई बारिश, कहाँ कहाँ रुकेंगे आप बारिश को लेकर, देखो ये जनाब अभी हम लोग आ चुके हैं, ये देख सकते हैं यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जो भी आपको है, निमकार मार्ग है ये, आरएस निमकार मार्ग है, निमकार मार्ग ये एरिया देख सकते हैं आप, एरिया को खासकर ये अभी देखिए, अभी यहाँ से जो रेड लाइट एरिया चालू हो जाएंगे ये वाले आगे वाले पोर्शन से, देख सकते ये देखिए इधर में पानी वगैरह कैसे जाम हो चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ, और ये देखिए मुहर्रम के लिए पानी वगैरह पीने के लिए रखा गया है यहाँ पर, देख सकते हैं तो यहाँ हर जगह मुहर्रम के टाइम पे बाहर रखे जाते हैं, देखिए उधर में भी देखिए प्यासे को पानी पिलाते हैं, ऐसे तो प्यासे को पानी हमेशा पिलाना चाहिए, खासकर मुझे ये फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा प्यासे को पानी पिलाया जाता है, तो ये अभी देखिए हमने भुट्टा गांव गांव में ये भुट्टा होते हैं, इसको भुट्टा बोलते हैं गांव के अंदर, मक्की का बाल, तो यहाँ भाई यहाँ पे शायद वो कुछ याद नहीं आ रहा है कुछ ऐसे ही बोलते हैं, तो अभी
देख सकते हैं यहाँ, ये कमाडीपुरा, ये पूरा कमाडीपुरा आपको अनर भाई इसको कमाडीपुरा कहते हैं ये एरिया को पूरा। और ये पूरा, और ये कमाडीपुरा में वैसे नहीं है कि आप सिर्फ रेड लाइट के लिए मशहूर है, ये बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारखाने हैं यहाँ पर, जैसे जींस के वगैरह वगैरह सारे कारखाने बहुत सारे हैं यहाँ पर, एक दो कारखाने नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे कारखाने देखने को। तो ये पहले ऐसा था ना कि ये रेड लाइट एरिया में बहुत फेमस था, अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग जाते रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता पढ़ लिख रहे हैं, वो काम छोड़ रहे हैं। देखिए ये भी जो कोठी दिख रही ना, इसको यहाँ पे भी ये सब, ये सारे सारे रेड लाइट एरिया के हैं। अभी अभी फिलहाल बारिश हो रही है तो आपको कोई नहीं दिखेंगे रोड के ऊपर, लेकिन मगर देखिए वहाँ पे खड़े हैं, दिख रहे हैं वहाँ पे, ये देखिए वहाँ सामने खड़े हैं, देखिए आपको दिखाते हैं टेम्पो के पीछे, वो लोग बेचारे इंतज़ार में खड़े रहते हैं, वो देखिए वो दिख रहे हैं जो बैठे हैं ना वहाँ लेडीज़ वगैरह भाई, तो वो देखिए वो दिख रहे हैं आपको वहाँ पर, वो दिख रहे हैं वहाँ पर उस साइड में, उधर देखिए वहाँ पर दिख रहे हैं आपको, वहाँ वो देख सकते हैं यहाँ पर सब एरिया वही है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए अनर भाई ये दिख रहे हैं आप, ये देखिए ये पूरा एरिया इधर में एरिया से, और बाहर इधर में जो आप देखेंगे तो इनके जो जो मतलब जिसको क्या हम कहेंगे वो हमको नहीं मालूम, लेकिन वहाँ से पूछते रहते हैं। तो ये देखिए सामने खड़े हैं ये लोग, तो ये एरिया वही है जो लोग बोलते हैं ना रेड लाइट, देखिए वहाँ कैसे सज संवर के खड़े हैं, दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, इतना मेकअप एक्स्ट्रा मेकअप किया हुआ इन लोगों ने, देख सकते हैं आप, तो कोई भी आप देख सकते हैं उनको, देख के कितना मेकअप है, आप देख सकते हैं उनको चेहरा, देखिए आप गौर से देखिए, तो ऐसा है ये एरिया में ऐसा है, तो इतने मतलब ये पूरे पूरे एरिया आपको मिलेंगे ऐसे, देख सकते हैं यहाँ, देखिए पूरे लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको यहाँ पर, वहाँ पर आपको ये देखिए पूरे ये बस्ती वैसी है, सब सारी बस्ती ऐसी है, और यहाँ पर आपको सब दिखेंगे यहाँ पे लोग जो इस प्रोफेशन में हैं, वो बेचारे अपने कस्टमर के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, और पता नहीं इनकी मजबूरी क्या, ये नहीं बात जब पता हमको, तो भाई ये मगर ये कोई ना कोई मजबूरी में ये लोग इस लाइन में आए हुए हैं, और तो भाई ये एरिया हमारा दिखाना था ताकि इधर से हम गुजर रहे थे, और क्योंकि आज हम पैदल ही जा रहे हैं हर एरिया में, तो आपको एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं, सारी चीज़ें दिखाते हुए जा रहे हैं आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ ये बस्ती है वहाँ वो बस्ती है, तो बहुत कम होते हैं सब दिखने को मिलते हैं आपको, तो मेरा काम था आपको दिखाना, तो दिखाते हैं हम सब आपको ये सारी चीज़ें, और बारिश भी, बारिश खासकर बारिश भी बहुत अच्छी है, तो इस बारिश को दिखाते हुए लेके चल रहे हैं हम आपको। तो आइए यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये गली पकड़ते हैं आपको, तो ये देख सकते हैं आप, ये है ये देखिए यहाँ पे नागौरी है, ये देखिए ये एरिया में, अभी देखिए ये एरिया में कपड़े की दुकान अभी है, और इसके आगे वाले एरिया में आपको फैक्ट्रीज है, बहुत सारे कारखाने, छोटे छोटे कारखाने हैं जींस के वगैरह कारखाने, और देखिए ये सब दुकानें सब है यहाँ पे, अच्छी अच्छी दुकानें आपको मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो भाई इसको आप ऐसा नहीं समझे कि ये कमाटीपुरा है तो गलत है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको आपको फ़ायदे भी दे सकते हैं, जो अगर आप कुछ कपड़े का बिजनेस या कुछ आयरन वगैरह या फर्नीचर एंड ऑल की दुकान, और देखिए सामने ये चोर बाज़ार लगते हैं, इधर आइए ये देखिए सामने चोर बाज़ार लगते हैं यहाँ पर, ये मैदान के अंदर यहाँ चोर बाज़ार लगते हैं ये वाले में, ये रात के करीब 2 बजे चालू होते हैं, तो ये वागेड़ी लोग लगाते हैं यहाँ पर, और एक नल बाज़ार है वहाँ पे हर लोग मिक्स करके लगाते हैं, और ये एरिया में मोस्टली वागेड़ी लोग लगाते हैं, तो बारिश में तो भिंगना ही है, तो ये देख सकते हैं ये एरिया आपको दिखाया हमने, और देखिए मोबाइल वगैरह की दुकान है यहाँ पर, देखिए ये भी कमाटीपुरा है, ऐसा नहीं कि अलग है, ये कमाटीपुरा ही है, तो ये जैसा कि लोग दिल में सोचने वाले में कि भाई ये नहीं कमाटीपुरा में सिर्फ यही होता है वही होता है, ऐसा नहीं है, आइए इधर से निकल जाते हैं हम लोग, तो कमाटीपुरा में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होता है, बहुत कुछ होता है, और बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदेमंद भी हैं, तो भाई तो जैसा आपको दिखाना था कमाटीपुरा के बारे में आपको दिखाया भी,
और इसके आगे कारखाने, ये सब सब एरिया में कारखाने और छोटे छोटे मतलब मिक्स टाइप के सब छोटे छोटे बिजनेस करते रहते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप, जैसे कि किचन है, क्लाउड किचन है, और ये देखिए ये एरिया वागड़ी लोग मोस्टली रहते हैं यहाँ पर। वागड़ी लोग, ये एरिया वागड़ी लोग का है। वागड़ी जो होते हैं राजस्थान वगैरह के होते हैं, राजस्थान और गुजरात वगैरह के होते हैं ये लोग, तो वो लोग इस एरिया में रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये जो लिया हुआ इन लोगों ने, देख सकते हैं ये तेल का डब्बा, ये सब ये लोग खरीदते हैं। पता नहीं ये क्या करते क्या नहीं है ना, शायद ये रिसाइकल होता है, मे बी रिसाइकल होता है, ये पीछे से रिसाइकल होता है। ये देखिए और बारिश तेज़ हो चुकी है अभी यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये सारे रिसाइकल हो जाते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये ड्रम है, मतलब इसके ऑयल का ये, और यहाँ से लोग कहाँ पे हौसले भेजते ये पता नहीं अल्लाह जाने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर कितना खुशी देखा जा रहा है लोगों ने। तो भाई ये एरिया कमाटीपुरा, और आप देख रहे हैं कमाटीपुरा, और यहाँ का आपको माहौल बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। तो और ये देखिए ये आयरन की दुकान है, ये देख सकते हैं यहाँ पर है बाली वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पर। तो भाई ये देखा आपने कमाटीपुरा। तो चलिए और आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते कुछ नए, कुछ खास रास्ते। और ये देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए ये रास्ता यहाँ से हो ना, फिलहाल आपको बताया जो चोर बाजार का रास्ता है, ये यहाँ से जाता है दिन के वक्त। देखिए वो आप पीछे रास्ता, वहाँ से देखिए वो रास्ता जाता है पीछे में। और यहाँ देखिए कपड़े वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ सारे बहुत वेराइटीज़ के आपको कपड़े मिलेंगे यहाँ पर आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ कपड़े की दुकान है, देखिए एक से दुकानें आपको मिलेगी, ये पूरी दुकानें कपड़े की है। ये कमाटीपुरा में ही आता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कमाटीपुरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये कमाटीपुरा आगे पीछे भीग गया था ऐसा। तो भाई ये देखा हमने, और ये हमारे भाई साहब है जो बहुत ही परेशान है आज बारिश की वजह से, बोलते ऐसी बारिश होती है क्या, हमने कहा ये बॉम्बे में ऐसी बारिश होती है, रुकने का नाम नहीं लेता है। तो चलिए आगे और कुछ दिखाते हैं पूरा का। ये जींस देखिए, जींस के आरे सारे दुकानें और कारखाने ये एरिया में हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर ये एरिया है जो यहाँ पर जींस वगैरह जो है आपको मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर सारी दुकानें जींस के और छोटे छोटे कारखाने यहाँ पर, ये भी आ रही है कमाटीपुरा में ही आता है ये, तो देख सकते हैं आप ये। और ये देखिए एंड हो चुका है यहाँ का, ये पीछे से देखकर पूरा देखिए मैं आए वहाँ पर, और यहाँ से एंड हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ से आप बाहर निकल के आप जिस एरिया में भी आप जा सकते हैं, नल बाज़ार आए थे, नल बाज़ार होगा लेफ्ट, और आपको बहुत सारे देखिए देखिए ये उसके बोला ना आपको ये सब चीज़ें, क्योंकि कमाटीपुरा है ये फिफ्थ प्लान। तो ये देखिए फिफ्थ प्लान है ये कमाटीपुरा का। तो यार यहाँ पे सब चीज़ें आपको अच्छी अच्छी ब्रांड की चीज़ें मिल जाती हैं, और चीज भी मिल जाते हैं, और मैन्युफैक्चरर भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ कॉपी आइटम और इंडियन आइटम भी मिल जाते हैं, कॉपी इन द सेंस जो होंगे वो सब बाहर के थोड़े फैब्रिक्स होते हैं, इंडियन होते हैं, और इंडियन तो आपको पता है कपड़े कैसे आते हैं, इनकी क्वालिटी भी है। हाँ जब बड़ी कंपनियाँ बनाती तो अलग बात है, लेकिन लेवलिंग पे हो तो क्वालिटी कोई अच्छी नहीं होती।